हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का मेन उद्देश्य क्वालिटी कॉमर्स कंटेंट को आसान भाषा में हर बच्चों तक पहुंचाना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें और कॉमर्स से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास में हम देखेंगे बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्कीमनेस। लास्ट कुछ वीडियो में हमने आपको कार्ल पियर्सन का स्कीमनेस बताया था, आज बताएंगे बाउलेस का कोफिशिएंट ऑफ स्कीमनेस। ये क्वार्टाइल बेस्ड स्कीमनेस भी होता है, मतलब ये कि ये जो स्कीमनेस है पूरा क्वार्टाइल पे आधारित होता है। देखते हैं, सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं, देखते हैं फार्मूला क्या है। देखिए, क्वार्टाइल बेस्ड स्कीमनेस या बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्कीमनेस का फार्मूला होता है JQ इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्कीमनेस का फार्मूला बाउलेस का। अब यहां पे क्वार्टाइल चाहिए और मीडियन चाहिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इंडिविजुअल सीरीज का प्रॉब्लम है, इसमें केवल एक्स दिया है, एक्स के अलावा कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो एक कॉलम हम बना लेंगे सीरियल नंबर का और एक बना लेंगे एक्स का। जब भी कोफिशिएंट ऑफ स्कीमनेस या क्वार्टाइल निकालना होता है बाउलेस का, तो वहां पे एक्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा इस तरह से। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर रखेंगे, मतलब आरोही क्रम में रखेंगे, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में। मतलब सबसे छोटा क्या है देखते हैं, 90 है सबसे छोटा, फिर उसके बाद 95 है, फिर है 100, 105, 120, 125, 130, 140 and 150। ये था असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब देखिए क्वार्टाइल मीडियन चाहिए, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्वार्टाइल 1। Q1 नंबर इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम। 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि ये किसी भी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज में जब भी क्वार्टाइल नंबर निकालते हैं तो n प्लस 1/4 होता है। जिन लोगों ने हमारे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं क्वार्टाइल से रिलेटेड, हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहां पे प्लेलिस्ट होगी क्वार्टाइल्स के नाम से, वहां से उसको देख सकते हैं। तो यहां पे देखिए n प्लस 1/4, n यहां नंबर ऑफ आइटम होता है, 10 प्लस 1/4 यानी कि ये हो गया 11/4 यानी हो गया 2.75। अगर ये पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, जैसे 2 होता या 3 होता, तो वहां से हम चेक कर लेते जो आइटम होता है उसके सामने का ले लेते एक्शन, बट यहां पॉइंट में वैल्यू है। तो यहां पे देखिए Q1 इज इक्वल टू सेकेंड आइटम प्लस पॉइंट वाली वैल्यू ब्रैकेट में जो यहां आइटम लेंगे उसके बाद वाला आइटम, थर्ड आइटम माइनस, फिर इसी आइटम को माइनस कर दीजिए सेकेंड आइटम। सेकेंड आइटम क्या है यहां पे, 95 है प्लस 0.75 ब्रैकेट में, थर्ड आइटम क्या है 100 माइनस सेकेंड आइटम 95। तो 95 प्लस 0.75 इंटू 5, अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 95 प्लस देखिए 0.75 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो होगा 3.75। अगर 3.75 होगा तो इसको ऐड करेंगे 98.75, ये होगा Q1 का आंसर। उसी तरह Q3 फाइंड करते हैं, Q3 नंबर इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम। अब यहां पे देखिए थर्ड नंबर निकाला तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू n 10 प्लस 1/4 यानी इसको लिख सकते हैं 33/4। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो फिगर हमारे पास आएगी वो आएगी 8.25। अब देखिए यहां भी पॉइंट वैल्यू आ गई, देखते हैं Q3 इज इक्वल टू 8th आइटम प्लस पॉइंट वाली वैल्यू 25, फिर ब्रैकेट में जो आइटम यहां लेंगे उसके बाद वाला आइटम 9th आइटम
माइनस उसी आइटम को घटा दीजिए एट आइटम। एट आइटम क्या है 130 प्लस 0.25, फिर उसके बाद देखिए नाइन्थ आइटम क्या है 140 माइनस 130, मतलब उसी आइटम को घटाना है जो यहां पे लिखे हैं। तो 130 प्लस 0.25 इंटू 10 हो जाएगा, ये 140 में से 130 को करेंगे माइनस, तो 130 प्लस 2.5 यानी कि 132.5 ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, Q3 की वैल्यू आ गई। अब चलिए देखते हैं मीडियन। मीडियन देखिए किसी भी सीरीज को टू पार्ट में डिवाइड करता है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीडियन नंबर। मीडियन नंबर इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस 1 बाई टूथ आइटम। तो n यहां पे देखिए क्या होगा 10 प्लस 1 बाई टू यानी 5.5। अब यहां भी देखिए 5.5 आ गया, तो यहां पे इस तरह का तो नहीं अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे m इज इक्वल टू मतलब मीडियन इज इक्वल टू फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स आइटम डिवाइड बाय टू। तो पांचवा आइटम क्या है यहां पे 110, छठवां आइटम क्या है 120 डिवाइड बाय टू, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे 230 डिवाइड बाय टू यानी कि ये हो जाएगा 115। ये आ गई हमारी मीडियन की वैल्यू। अब देखिए जब मीडियन आ गया तो अब इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू को रखते हैं, तो Q3 की वैल्यू कितनी आई है 132.5 प्लस Q3 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू कितनी आई है, ये Q3 की वैल्यू थी, Q1 की वैल्यू कितनी आई है 98.75 माइनस 2 इंटू मीडियन मतलब कि 115 डिवाइड बाय 132.5 माइनस 98.75। अब क्या करेंगे इसी को हम सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वही होगा हमारा बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्किनेस 0.037। यह है बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्किनेस। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रीट सीरीज के बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई हमारे साथ जारी रखिए। धन्यवाद।